रात में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, जानेंगे नहीं तो होंगे भयंकर नुकसान। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर लगाना सुहाग का प्रतीक माना जाता है, जिसके बिना शादीशुदा महिलाओं का 16 श्रृंगार अधूरा माना जाता है। लेकिन कैसे हुई मांग में सिंदूर भरने की शुरुआत, इस वीडियो में जानेंगे धार्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल शुभ विचार पर। दोस्तों, रात को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में जब तक दूल्हा अपने हाथों से दुल्हन की मांग में सिंदूर नहीं भरता है, तब तक विवाह पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होता है, क्योंकि सिंदूर ही महिला के सुहागिन होने का प्रमुख प्रतीक और प्रमुख श्रृंगार भी है। इसीलिए हर सुहागन महिला को और कुंवारी लड़कियों को भी यह जानकारी होनी चाहिए कि रात में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को लगाने के कुछ नियम और समय बताए गए हैं। दोस्तों, अगर हम गलत समय पर रोज ही कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी अशुभ ही मिलते हैं। अगर कोई महिला गलत समय पर सिंदूर लगाती है तो उसके बुरे परिणाम उसके पति को भुगतने पड़ते हैं। ये बुरे परिणाम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे पति को कोई भयंकर बीमारी हो जाना, व्यापार ठीक तरह से न चलना, पति पत्नी के आपसी संबंधों का बिगड़ना या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि कोई अनचाही घटना भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई कार्य सही समय पर किया जाए तो उसके परिणाम भी शुभ ही होंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सिंदूर को लगाने के कुछ नियम और समय बताए गए हैं। अगर सुहागन महिलाएं इन नियमों का पालन करते हुए शुभ समय पर सिंदूर लगाती हैं, तो आपके सुहाग पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आएगी। ये हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सिंदूर से मांग भरने की प्रथा कब से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई सिंदूर लगाने की प्रथा। मान्यता है कि भगवान ने वीरा और धीरा नाम के दो युवक और युवती को बनाया और उनको खूबसूरती भी सबसे अधिक दी। इनमें से एक पुरुष वीरा काफी बहादुर और वीर था, जबकि स्त्री धीरा में दिखने में सुंदर और बहादुर भी थी। दोनों का आपस में विवाह हुआ। एक दिन दोनों साथ में शिकार पर निकले, लेकिन पूरा दिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हार कर दोनों को कंदमूल खाकर ही गुजारा करना पड़ा और दोनों पहाड़ पर ही सो गए। प्यास लगने पर वीरा पास के जलाशय से पानी लेने गया और धीरा वहीं बैठ उसका इंतजार करने लगी। उसी वक्त रास्ते पर वीरा पर कालिया नाम के शख्स ने हमला कर दिया, जिसके बाद वीरा घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वीरा को घायल कर कालिया काफी खुश हुआ, जिसकी हंसी की आवाज धीरा तक पहुंची और पति की ऐसी हालत देख उसने चुपके से कालिया पर हमला बोल दिया। इतने में वीरा को भी होश आ गया। बस फिर क्या था, पत्नी की इस वीरता को देख वीरा ने धीरा की मांग अपने खून से भर दी। बस इसी समय से मांग में सिंदूर भरने की प्रथा शुरू हो गई। इसलिए इसी प्रथा को पूरा करते हुए आज भी महिलाएं पति की लंबी उम्र और रक्षा के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। मांग में सिंदूर लगाने का धार्मिक महत्व। एक, हिंदुओं का मानना है कि सिंदूर लगाने से देवी पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। कहते हैं महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। दो, दूसरा, हिंदू समाज में सती या पार्वती को आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है और लाल रंग को इनका प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। तीन, मान्यताओं के अनुसार मांग में सिंदूर लगाने से पति पत्नी के बीच हमेशा मजबूत संबंध बना रहता है। एक, सिंदूर में मौजूद पारा धातु मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह पारा मस्तिष्क को ठंडा रख तनाव मुक्त रखता है, इसलिए महिलाओं को विवाह होने के बाद सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। दो, सिंदूर में पारा जैसी धातु अधिक होने के कारण चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती, इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। तीन, इतना ही नहीं, माथे पर सिंदूर लगाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। चार, तनाव के कारण सिर दर्द अनिद्रा की शिकायत भी सिंदूर लगाने से दूर हो जाती है। रात में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, हर रात सुहागन महिला को अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर रोज अगर आप नियमित रूप से सोते समय अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो आपके घर में और आपके पति के मन में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जिसकी वजह से घर की सुख शांति चली जाती है। रात के अलावा सुहागन महिलाओं को सूर्य अस्त के समय भूलकर भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना तो घर में झाड़ू लगाना चाहिए। हो सके तो सूर्य अस्त के समय कोई भी कार्य ना करें, नहीं तो आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपके घर की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप करवा चौथ की रात घर में कोई पूजा है या फिर शादी पार्टी में जाना है तो ऐसे समय में आप रात को अपनी मांग में सिंदूर लगा सकती है, मगर इसके लिए आपको अपने हाथ से नहीं बल्कि अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा और आप दोनों के बीच प्रेम संबंध और मजबूत बनेंगे और आपका सुहाग सलामत रहेगा। अगर कोई महिला रात को सोते समय सिंदूर लगाती है तो उसके जीवन में कई बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे एक, सबसे पहली बात, अगर कोई सुहागन महिला रात को सिंदूर लगाने का नियम बना लेती है और हर रात को सोने से पहले सिंदूर लगाती है तो इससे उसके घर में भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, जिसकी वजह से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। दो, रात को सिंदूर लगाने से पति के मन में पत्नी के प्रति नकारात्मक सोच जागृत होती है। तीन, रात को मांग में सिंदूर लगाने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है। चार, रात को सिंदूर लगाने से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है। पाँच, अगर एक सुहागन महिला एक महीने तक लगातार रात को अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। सिंदूर दिन में किस समय लगाना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र और बुजुर्ग महिलाओं के अनुसार सुहागन महिला को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ पार्वती और माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें सिंदूर दान करें और फिर उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। उसके पश्चात वही सिंदूर आप अपने मांग में पूजा करने के पश्चात लगा लें। ऐसा करने से माँ पार्वती और माता लक्ष्मी सुहागन महिला को सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।